हेलो गाइज, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं हूँ तो सर हुसैन सिंह और ये है आपका बेटा पूछा देना ट्रेडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम मोलस्का के बारे में और ये हमारा लेक्चर नंबर 14। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको फाइलम मोलस्का का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फाइलम मोलस्का जो होता है ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। फर्स्ट तो आपको पता है फर्स्ट लार्जेस्ट एनिमल फाइलम क्या है वो वाला, वो हम लेक्चर 13 में कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि क्या है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो मोलस्का फाइलम है, जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कैसा होते हैं? ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। और क्या होते हैं? ये एक्वाटिक भी होते हैं, ये एक्वाटिक भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल मतलब तो आपको पता है जो कि लैंड में रहते हैं, और एक्वाटिक मतलब जो वाटर में सर्वाइव करते हैं। तो ये फिर कैसे वाटर में सर्वाइव करते हैं? बोथ फ्रेश एंड मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर में भी। हो गया, इतना दूर तक समझ में आ गया। तो अभी हम इनके बेसिक फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो इनका क्या होता है? इनका बाइलेटरल सिमेट्री होता है। इनका क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्री होता है। और क्या होता है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंडोडर्म मेसोडर्म और एक्टोडर्म यहाँ पे पाए जाते हैं, जर्म लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और क्या हो गया? और ये कैसे होते हैं? इनका सिलोम प्रेजेंट होता है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो गए? सिलोमेट्स, सिलोमेट्स। फिर क्या हुआ? फिर इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हो गया, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनका बॉडी कवर होता है एक सेल से, इनका बॉडी कवर होता है एक सेल से, जो कि क्या है? कैलकेरियस, कैलकेरियस सेल। कैलकेरियस सेल से इनका बॉडी क्या होता है? कोभर होता है, ढका हुआ होता है। इनका बॉडी कोभर होता है। और इनका बॉडी कैसा होता है? इनका बॉडी अनसेगमेंटेड होता है, सेगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड होता है। और इनके बॉडी में और क्या क्या होता है? हेड प्रेजेंट होता है, एक हेड रहता है। फिर क्या होता है? फिर मस्कुलर फुट, मस्कुलर, मस्कुलर फुट। और क्या होता है? एक विजेरल हम्प होता है, विजेरल हम्प, विजेरल हम्प, हम्प। तो हम्प मतलब क्या आपको पता है? जो कि कैमल में रहता है, कैमल के बैक में ऐसे करके रहता है ना, तो इसको हम बोलते हैं हम्प। तो पहले आप इतना तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। तो अभी हम चले आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? इनकी बॉडी में एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन रहता है, जो कि आपका मेंटल फॉर्म करता है। और ये मेंटल कहाँ पे होता है? ओवर द विसेरल, विसेरल हम्प के ऊपर ये मेंटल रहता है आपका। और ये हम्प और मेंटल के बीच जो गैप होता है, थोड़ा तो गैप होगा ना, अगर ये आपका हम्प हो गया ऐसे, तो यहाँ पे आपका अगर आपका है मेंटल, तो ये दोनों के बीच जो ये गैप हो गया, तो उस गैप को हम क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी। और वो मेंटल कैविटी में आपका क्या होता है? फिदर लाइक गिल, गिल प्रेजेंट होता है, जो कि फिदर के जैसा होता है। और ये कौन सा काम करता है आपका? पहले तो रेस्पिरेटरी काम करता है और एक्सक्रिएशन भी करता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन दोनों फंक्शन ये करता है। और इनके हेड के इंटीरियर साइड में क्या होता है आपका? सेंसोरी टेंटाकिल्स प्रेजेंट रहता है, हेड के इंटीरियर साइड में सेंसोरी टेंटाकिल्स प्रेजेंट रहता है। जैसे होता है ना आपका टेंटाकिल्स दो तो जो रहता है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म आपका हो गया, समझ में आ गया। फिर माउथ में आपका क्या होता है? माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, फाइल लाइक, जो कि आपका फाइल लाइक रहता है, रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेडुला। और वो रेडुला किसमें आपका मदद करता है? फीडिंग में मदद करता है, किसमें? फीडिंग, फीडिंग में मदद करता है। हो गया, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इनका सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? इनका सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? तो ये क्या होते हैं? ये डाइस्टियस होते हैं,
तो इनका सेक्स ऑर्गन क्या होता है? सेपरेट होता है। ये क्या होते हैं? डाइसियस, डाइसियस होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये एग ले करते हैं, ले एक्स मीन्स ये क्या होते हैं? ओविपोरस, ओविपोरस होते हैं। और इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। इनका क्या होता है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इनका क्या होता है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। तो पहले आप इतना तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो अभी हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल का ट्रिक क्या है? ट्रिक है सो, पहला तो सोप है। एस से आपका क्या होगा? सेपिया। ओ से आपका होगा ऑक्टोपस। ए से होगा एप्लेसिया। और पी से आपका क्या होगा? पीला। और ये तो पहले आपका एक ट्रिक हो गया जिसमें आपका चार फॉर एग्जांपल है, और यहाँ पे भी आपका चार फॉर एग्जांपल है। फोर फोर एट फॉर एग्जांपल कवर हो रहा है यहाँ पे। तो सेकंड आपका ट्रिक क्या है? लायंस डॉग्स एंड कैट्स आर प्लेइंग। लायन डॉग्स एंड कैट्स आर प्लेइंग है। तो यहाँ से आप पहले ये वाला को कंसिडर करेंगे, लायन से एल, डॉग से डी, कैट से सी और प्लेइंग से पी। तो एल से आपका क्या होगा? लोलिगो। डी से आपका है क्या? डेंटालियम। और सी से आपका क्या है? चैटो प्लूरो। और पी से आपका है पिंटाटा, पिंटाटा है ना। तो आई होप आपको फाइलम मोलस्का समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और मेरे चैनल में जो न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारे वीडियो को बहुत सारा शेयर भी करना। के लिए बाय।